यहीं पे सीधा करना। चलो चलो आगे आगे जाओ आगे। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों की हत्या जो हो रही है उसके विरोध में आज नौबतपुर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। अभी आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में, यहाँ फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार एवं जमलपुरा पंचायत के वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। हत्या के 12 दिन बाद अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ जो है बड़ा एक हुजूम खड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का, क्या कुछ कहना है। देखिए, पूरे बिहार में हो रहे नवनिर्वाचित प्रत्याशियों की जो घटना घट रही है ये काफी शर्मनाक है, दुखद है। पूरे इस बिहार में हम यही चाहते हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने इस ढंग का हत्या कर रहे हैं, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। जैसे आपने जान रहे हैं नबतपुर में हत्या हुआ, संजय वर्मा जी की हत्या हुई जो बाढ़ के सदस्य थे, रामपुर फरीदपुर के मुखिया नीरज मुखिया की हत्या की गई, इसमें थाना प्रभारी तो अविलंब बर्खास्त करे, बिहार की सरकार जानीपुर थाना प्रभारी को बर्खास्त करे और साथ ही साथ पटना पश्चिमी का अधीक्षक को बर्खास्त करके नए लोगों को लाकर इसका निष्पक्ष जांच करे। एसआईटी का गठन तो हुआ है, एसआईटी गठन के माध्यम से, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको फांसी की सजा हो, तभी जाके न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक उनको फांसी नहीं होगा। आज जारी रहे, हत्या का लगभग 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन के बाद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पे क्या कहा? पुलिस प्रशासन निकम्मी पुलिस प्रशासन हो गई है जो हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जो कि पीड़ित परिवार के द्वारा नाम दिया गया है। मैंने देखा है एसपी के यहाँ, उन्होंने नाम बताया है पीड़ित परिवार का। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि दिए गए नाम में उनकी अरेस्टिंग करके जो संज्ञान में लाया जा रहा है गिरफ्तार करके इस मैटर को डिस्पोज करने की जरूरत है। नहीं तो ये प्रशासन निकम्मी प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि दोषी जो फांसी कुछ सजा में आप अपने कलम को थोड़ा सा भी देर नहीं करे। इस बिहार की धरती पे नवनिर्वाचित मुखिया का हत्या होना बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है नवनिर्वाचित मुखिया का हत्या होना। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कह रहे हैं कि नीरज मुखिया और संजय वर्मा के अपराधियों को गिरफ्तारी शीघ्र हो। पूरे बिहार में कुशवाहा समाज जन आक्रोश इतना हो गया है कि हर प्रखंड हर गांव में इसी तरह कैंडल मार्च, इसी तरह अब थोड़े दिन में हम लोग महाधरना भी करने जा रहे हैं। अपराधी की गिरफ्तारी हो और जिस हथियार से हत्या हुआ है वह हथियार भी बरामद करे पुलिस। क्या लगता है इस कैंडल मार्च से इंसाफ मिलेगा? देखिए, जिस तरह से पंचायती राज सरकार की जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है उससे सारे जनप्रतिनिधि दहशत में हैं। अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही, सजा नहीं हो रहा है, दंड नहीं मिल रहा है। सरकार को अविलंब उसको गिरफ्तार करके सजा, स्पीड ट्रायल से सजा दिलाना चाहिए। यदि यह सजा नहीं होगा तो बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि दिन पर दिन उनकी हत्याएं होते जाएगी और अपराधियों का मनोबल बढ़ते रहेगा। इसलिए कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप जागिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार बाध्य होगी, मजबूर हो जाएगा समाज निर्णय लेने के लिए और फिर कानून को हाथ में लेने का काम करेगा। इसलिए समय रहते कोई कानून का हाथ में नहीं ले सके, सरकार अपने स्तर से दोषियों को गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाए। मतलब चेतावनी भी है सरकार के लिए कि कानून हाथ में भी लिया जा सकता? निश्चित रूप से चेतावनी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि किसी जाति समाज का नहीं होता है, वो पूरे समाज का होता है और तमाम वर्गों का वोट मिलता है तब कोई निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में पूरे समाज पर यह कलंक है, जनप्रतिनिधियों पर जो हत्या हो रही है, सरकार इसमें निकम्मी हुआ, पंचायत सरकार फेल हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से कानून में हाथ लेगा अगर सरकार इसको अविलंब गिरफ्तार नहीं किया। कुछ युवा भी जो है क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम चाहते हैं जिस तरह कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है उस तरह हम लोगों का करीब करीब 6 लोगों की हत्या हुई है कुशवाहा समाज में, उसको इंसाफ दिया जाए और जब तक इंसाफ नहीं मिला तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हाँ। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में नौबतपुर में लोग इकट्ठा हुए हैं और
दामोदपुर लक और पूरे आक्रोश के साथ इस हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं और हर उम्र के लोग जो है साथ में दिख रहे हैं। और क्या कुछ इनका मांग है अभी आपने वीडियो में देखा, और भी लोगों से हम बात करेंगे। और इन लोग क्या ये लोग जो है करना चाह रहे हैं, क्या इनकी मांग है, वो भी हम चाहेंगे कि आप लोगों को जो है दिखाया और समझाया जाए। साफ तौर पर ये लोग जो है सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो ये लोग जो है आगे आंदोलन जारी रखेंगे और पूरे बिहार में जो है ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके फैलेगा और फिर जो है सरकार मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में नौबतपुर लख पे जो है नीरज हत्याकांड और संजय वर्मा हत्याकांड के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आज 12-15 दिन होने के बाद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ा है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस हत्याकांड दोहरा हत्याकांड है जो कि संजय वर्मा और नीरज मुखिया जी का दोनों का ये जो हत्या हुआ है कब तक इसका खुलासा होता है। कुछ युवक है, क्या कुछ है आप लोगों का डिमांड क्या है? अब के हत्यारों को फांसी की सजा दिया जाए। यस सर, आप मुखिया को हाँ हत्यारों का फांसी का आज 12 दिन हो गया है, अभी तक 12-13 दिन हो गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पुलिस प्रशासन की गलती है, यह चलते नीतीश सरकार की कमजोरी है, यही कारण है। नीतीश कुमार की साहब जो है यहाँ असफलता दिख रही है। हाँ असफलता है। नीतीश कुमार ये लोग हमेशा लोग कुछ का समीकरण बता के और जितने भी हमारे कुशवाहा समाज के जो नवनिर्वाचित जो प्रत्याशी है प्रतिनिधि बने हैं बारी बारी से करके अभी तक ले नौ कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि को हत्या कर दी गई है। पंचायत चुनाव के बाद इस पंचायत में जितने भी नव निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे जनप्रतिनिधि बने कुशवाहा समाज के बारी बारी से कर करके मैंने रास्ता से साफ करने का काम किया गया है। बार बार टारगेट किया जा रहा है मुखिया लोग को। नीरज मुखिया का सर जितना भी सर हथियारे हैं वो सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। नौबतपुर थाना प्रभारी, जानीपुर थाना प्रभारी और फुलवारी थाना प्रभारी को जल्द से जल्द सर सस्पेंड किया जाए। उसको सर सस्पेंड प्रभारी के कार्य से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, सब तो है अरे सर बालू करवाया थाना प्रभारी आओ के जानीपुर थाना जानीपुर जानीपुर आरोप है वहाँ के लोगों का कि नौबतपुर के थाना प्रभारी जानीपुर थाना मिला हुआ है। तो सीधा आरोप और बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर कि उनके प्रशासन के लोग नहीं हो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए आज कई दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का सर सरकार पूरी तरह से सर निकम्मा है। गरीब लोगों के सर खाने के लिए सब चीज बंद कर दिया है, बालू बंद कर दिया है, तो गरीब सरकार गरीब बालू के लिए सब मर रहा है सर। आप प्रतिदिन सर एक ट्रैक्टर खाली लोग बैकवर्डे लोग मारे जा रहे हैं। 10-15 मर्डर हो गया उसमें, सब लोग बैकवर्डे हैं। बोलिए बड़ा आरोप है सरकार पे, बड़ा आरोप है सरकार के सिस्टम जो है वो प्रशासन जो है उन पे बड़ा आरोप है। जानीपुर थाना प्रभारी के ऊपर लगातार खुलेआम जो है स्थानीय लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हत्याकांड में उनकी संलिप्तता है। अब नीतीश कुमार जी इस पे जांच करवाते हैं कि नहीं, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनपे कार्रवाई होता है कि नहीं, और अब 10 दिन बाद भी अगर किसी मुखिया के हत्याकांड में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो आप समझिए कि एक साधारण व्यक्ति का जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो उसपे क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाएं और बताएं और समझाएं सरकार को कि कैसे बिहार में खुलेआम दिन दहाड़े मुखिया की हत्या कर दी जाती है, जो एक पंचायत के प्रतिनिधित्व करता है उसकी हत्या कर दी जाती है और 10 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता है। स्थानीय लोग चीखते रहते हैं कि थाना प्रभारी की संलिप्तता है लेकिन सरकार चुप बैठ जाती है। अब इजाजत चाहेंगे। आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे, मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। शुक्रिया, धन्यवाद।